आप कभी भी उदयपुर आओ, एक चीज़ अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखना, कोई भी लेक साइड रेस्टोरेंट में जाके खाना ज़रूर खाना व्यू के साथ में, और दो घंटे ज़रूर उस एक्टिविटी के लिए निकालना, आपके लिए बता रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको। हाय गाइस, तन्मय दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी, और अभी हम लोग हैं उदयपुर में। और जब बंदा उदयपुर के बारे में सोचता है तो लेक्स के बारे में सोचता है, जैसे उदयपुर को सिटी ऑफ लेक्स बोलते हैं। और इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट्स जहाँ पे आप उदयपुर आओ तो खा सकते हैं, एंड स्पेशली लेक साइड रेस्टोरेंट्स। मेरे पीछे का व्यू से आप बता सकते हो कि अभी कितनी बढ़िया व्यू वाली प्रॉपर्टी में हम लोग कुछ कुछ बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे, सनसेट देखेंगे और रात का नज़ारा लेंगे। ये पूरा लिटअप हो जाएगा, वीडियो एंड तक देखना, बहुत मज़ा आएगा। और वीडियो को सबसे पहले लाइक करके कॉमेंट्स में लिख दो उदयपुर ओपी। भाई मैं रजत और प्रशांत भैया, नहीं प्रशांत भैया नहीं, प्रशांत भैया आपकी प्रॉपर्टी का नाम क्या है? ब्लू मून की नाराज। हाँ तो ब्लू मून के ओनर है, बिकॉज ब्रांड नेम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्रशांत जी बताइए क्या क्या है हमारे पास यहाँ पे? एक तो तंदूरी ब्रोकली है आपके पास में, हाँ, और लज़ानिया है, और ये क्या है? मंगोलियन नूडल्स है। अच्छा यहाँ पे ना ये खाना जो है दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द लोग जो यहाँ पे आते हैं या फिर उदयपुर के कोई भी लेक साइड प्रॉपर्टीज पे आते हैं उनको खाना दिखता नहीं है, क्योंकि उनको व्यू दिखता है तब तक रात हो जाती है। हम लोग आपको ये चीज दिखाने के लिए थोड़ा जल्दी आए हैं। एक्चुअली पॉइंट है, मैंने भी कभी खाने को इतना विजुलाइज नहीं किया है, लेक साइड पे कभी खाने को देखा नहीं होगा आपने। हम लोग खाने को थोड़ा सा एंजॉय करेंगे और वेट कर रहे हैं सनसेट होने का। एज दिल्ली वाले हम लोग तो बहुत एक्साइटेड है, इस व्यू को देख ही जा रहे हैं, सोक इन कर ही जा रहे हैं, और ये दोनों उदयपुर वाले बोल रहे हैं कि आप वेट करो, पीछे की लाइट जलेगी तो आपको ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, उसके पीछे क्या है? सारे प्रॉपर्टी दिखेगा, ठीक है, वहां से पानी एंटर होता है, काफी रॉयल्टी है, और ये पूरा आपका होते हुए, और वो जहां से एग्जिट हो रहा है वो भी यहां से दिखेगा, वो वहां से दिखेगा। अच्छा अभी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं, इसको मानो 0 डिग्री, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का व्यू हो गया, ठीक है, वो 180 डिग्री हो गया, और इसको मान लो आप पूरा ऐसे घूमते घूमते पहाड़ जहाँ सनसेट हो रहे, और वो सनसेट भी हो गया। वेट टाइम जैसे जैसे आपकी ऑडियंस चेंज हो रही है, आप अपना कुजीन चेंज करने जा रहे हैं, थोड़ा सा सेटअप चेंज कर रहे हैं, खाने पे फोकस करते हैं, मस्त अचारी टेस्ट आ रहा है और खट्टी चटनी वो भी चलते हैं। आपके हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कम टू उदयपुर? सी इफ यू वांट टू रियली एंजॉय उदयपुर, रेनी सीजन इज द बेस्ट टाइम, अभी वाला टाइम, बारिश के टाइम पे इट्स ब्यूटीफुल, मतलब आपको इससे ज्यादा अच्छा इट्स हेवनली हियर। लज़ानिया बहुत अच्छा है, मंगोलियन नूडल्स अच्छे हैं, ये अच्छा है, पर मैं आपको बताऊं दो चीजों से और बेटर हो रहा है। पहला तो जो व्यू है उससे तो आप खाना जैसा मर्जी खिला दो, अच्छा लगेगा ही लगेगा, ठीक है, आप यहाँ पे मैगी रख दो, मैगी भी अच्छी लगेगी, वैसे तो मैगी अच्छी होती है बट फिर भी। और दूसरा, क्योंकि आप ये वीडियो वेजी बाजी में देख रहे हो तो खाना आपको अच्छा लगेगा, तो वेजी बाजी को फॉलो कर दो, वेजी बाजी को फॉलो कर दो, एंड थैंक्स टू स्पून्स एंड स्नैप रजत भाई जिन्होंने हमें ये बढ़िया से व्यू के दर्शन कराए, बिकॉज देखो हम लोगों दोनों को मतलब हमारे को आपके दर्शन कराए, और ये बिचौलिया हो गए, स्पून एंड स्नैप बिचौलिया नहीं है। ऑन अ सीरियस नोट, हम लोग आप लोगों पे बहुत रिलाय करते हैं, जैसे रजत उदयपुर से देखते हैं वीडियोस हमारी, बहुत अलग अलग जगहों से अलग अलग लोग वीडियोस देखते हैं, तो जो लोकल्स बढ़िया जगहों पे लेके जाते हैं वो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है, इसलिए वेजी बाजी पे अच्छी जगह आपको देखने को मिलती है, इसलिए थैंक यू टू रजत। चलो अब मैं इसको खाने को ख़त्म करता हूँ और व्यू को अच्छे से कैमरा बंद करते अपनी आंखों में कैद करता हूँ और नीचे पहुँचता हूँ जब रात होगी। हम लोग आए थे सनसेट से पहले, हम लोगों ने पूरा व्यू वगैरह देखा, रात हो गई है, अब डिनर का टाइम है, पहले स्नैक्स वगैरह खाए थे, अभी सनी भाई हमारे लिए क्या लगा रहे हैं? पहले पनीर लबाबदार लगा रहे हैं, मेरे को यहाँ के जो ओनर है उन्होंने बोला कि हमारा पनीर लबाबदार आप शकिए आपको मज़ा आएगा, तो अभी इनका किचन में आ चुके हैं, अब वो फुल वेजी पाजी वाले मोड पर आ चुके हैं। डिनर का मेन्यू सुनो, अभी पनीर लबाबदार, दाल मखनी, मशरूम टिक्का, बटर मशरूम, वो स्टफ्ड मशरूम जैसे होता है ना वैसा, और एक पनीर टिक्का भी खाएंगे और रोटियां लगवाएंगे और बाहर ऐसे वाइब लेंगे ना, जो मज़ा आएगा ना। अभी देखो सीन, देखो क्या हो रहा है, इधर बन रहा है पनीर का मेन कोर्स और उधर बन रहा है पनीर का स्टार्टर। ये ग्रेवी का पनीर जा रहा है,
ये पनीर लबाबदार बनके ऑलमोस्ट रेडी है। ये है पंजाबी पनीर टिक्का, थोड़ा स्पाइसी रहेगा, थोड़ा चटपटा सा रहेगा। सनी भाई कोई और हेल्प चाहिए? और ये प्लेटिंग हो रही है। यहाँ पे एक डिश खत्म हुई, वहां पे दूसरी डिश चालू हुई। देख रहे हो फुल स्पीड से काम हो रहा है किचन में। ये वीडियो बनाने का पर्पस क्या है कि आप उदयपुर आओगे ना तो मोस्टली आप उदयपुर अपने दोस्तों के साथ आओगे या फैमिली के साथ आओगे। आप चाहोगे कि आप लेक पिचोला के पास अपनी फोटोज खींचो और तब आपको भूख तो लगेगी, तो इसलिए आपको एक ऐसी जगह दिखाने की जरूरत है जहाँ पे खाना भी बढ़िया मिले और व्यू भी अच्छा है। रोटियाँ कौन सी खाओगे? मिस्सी रोटी, लच्छा पराठा, गार्लिक नान, बस तीन डन आउट। अभी चौथा दाल मखनी बन रही है उधर। देखो अगर सनी भाई मैं आपको परेशान कर रहा हूँ तो आप मुझे अभी भी बोल दो। जितने दाल मखनी सेट होती है आपको इधर दिखाते हैं दूसरी चीज। ऐसे T20 वाली फीलिंग आ रही है, फास्ट फास्ट काम हो रहा है। यहाँ पे मशरूम टिक्का लग रहा है, ये मशरूम के अंदर स्टफिंग कर रखी है। उल्टा करके दिखाइए, पनीर की स्टफिंग होती है, स्टफ्ड मशरूम है और उसके अंदर वही मैरिनेशन, और इसको फिर से लगा रहे हैं सीख में, तंदूर में। अब दाल मखनी में वो मखनी वाली फीलिंग आ रही है। अब तो जी स्टार्टर्स भी लग गया, मेन कोर्स भी लग गया, फास्ट फास्ट अपना काम हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर के व्यू की तरफ। आज के हमारे गेस्ट जो हैं बहुत दूर से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, खाना खाने नाम है उनका भेजी बाजी, उनको बढ़िया खाना खिलाना है हमने। चलो अब चलते हैं बाहर टेबल पे, खाना लगवाते हैं अपना। ओ खाना खाते हैं। आप देख रहे हो कैसे ट्रांजिशन हुई है, वीडियो के स्टार्ट में क्या पीछे बैकड्रॉप था और अब क्या चेंज हो गया। पीछे लाइट सिटी पैलेस की क्या मस्त हो चुकी है और खाना भी हमारा सारा आ चुका है। एक गार्लिक नान ले लिया, एक मिस्सी रोटी ले लिया है और यहाँ पे मेन कोर्स में मैंने तो अपना पनीर डाल लिया। दाल मखनी थोड़ी सी मैं सर्व कर देता हूँ अपने आप को। मशरूम्स हैं हमारे पास स्टफ्ड वाले और पनीर टिक्का लिया हम लोगों ने बढ़िया सा। मेरे से रुका नहीं जा रहा, हम लोगों ने ना थोड़ा ऐसे मेन्यू ऐसे रखा है कि नीचे मेन कोर्स हम लोग जो रात में खा रहे हैं वो नॉर्थ इंडियन खा रहे हैं और स्टार्टर्स जो आपको दिखाए हैं हम लोगों ने थोड़े से इधर उधर के विलायती खाने के स्वाद, नूडल्स, लज़ानिया, वो सब चीज़ आप ही का इंतज़ार था। ले आओ ले आओ ले आओ ले आओ। चलो जी और ये आ गई अपनी हरी चटनी, आहा, और थोड़ा सा प्याज और यहाँ पे डालेंगे पनीर टिक्का पे नींबू गेर के। आ यस। आप कभी भी उदयपुर आओ एक चीज़ अपनी बकेट लिस्ट में ज़रूर रखना, कोई भी लेक साइड रेस्टोरेंट में जाके खाना ज़रूर खाना व्यू के साथ में, और दो घंटे ज़रूर उस एक्टिविटी के लिए निकालना। आपके लिए बता रहा हूँ मज़ा आएगा आपको। मिस्सी रोटी मुझे बहुत पसंद है। अच्छा अभी जो ये हम लोगों ने कर रखा है ना, खाना दिख रहा है, हम लोगों ने शूट के लिए कर रखा है, लाइट्स वाइट्स पूरी मार रखी है और वो सब चीज़ें कर रखी है। आप जब आते हो ना एक सेकंड लाइट ऑफ करना, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा आपको फील होगा। आप जब कभी भी डिनर करने आओगे ना उदयपुर में लेक साइड पे, आपको ये वाला एम्बियंस मिलेगा। कैंडल लाइट हम लोगों ने दो लगा रखी है, वैसे एक कैंडल लाइट होती है, साथ में आपके कोई स्पेशल हो या फिर फैमिली हो, पीछे ये व्यू हो, ये आपको वाइब मिलेगी। बट वो वीडियो में अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर वापस लाइट्स ले आते हैं, तो लाइट्स के साथ हम लोगों को थोड़ा वो आपको देखने में भी अच्छा लगता ना। तो अभी हम लोग हैं ब्लू मून किनारा पे, हम लोगों ने बढ़िया सा नूडल्स खाए, लज़ानिया खाए, इटालियन खाना, अलग अलग चीज़ें खाई और अभी एंड कर रहे हैं हम लोग डिनर एकदम नॉर्थ इंडियन अंदाज में। पनीर लबाबदार, गार्लिक नान, ओहो
ये मशरूम जो बन रहे थे ना, अच्छा किचन में एकदम बिजी बिजी मोड हो रखा था, मेरे को बड़ा मज़ा आ रहा था ऐसे फुल फ्लो में किचन में देखना। ये देखो पनीर के अंदर स्टफिंग कर रखी है मशरूम के, वही वाला मशरूम मैं ऐसे थोड़ा सा चटनी में डाल के और खाऊंगा। भाई मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है, मैं अभी ख़त्म करता हूँ इस खाने को और इधर पीछे क्या व्यू है, क्या व्यू है, व्यू को एंजॉय करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में उदयपुर ज़रूर लिखना, क्योंकि उदयपुर एकमात्र ऐसी जगह है जिसको बोलते हैं सिटी ऑफ लेक्स, और जहाँ पे ऐसे व्यूज़ आपको मिलते हैं इतने बढ़िया बढ़िया खानों के साथ में। भाजी भाजी को सब्सक्राइब कर दो, बढ़िया बढ़िया खानों की वीडियोस आते रहती है। उदयपुर की पूरी सीरीज़ है, जो जो आपने जगह सोचा होगा भाजी भाजी को उदयपुर में दिखानी है, भाजी भाजी ने दिखा रखी है, आपको भाजी भाजी उदयपुर सर्च करना है। बात करेंगे किसी और वीडियो में, बाय बाय।